हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल रेडी टू फ्लाई में एक और नए व्लॉग के साथ। तो भाई आज अपने सामने खड़ी है होंडा की एक्टिवा और वो भी 6G। तो आज इसका करेंगे भाई राइड रिव्यू, चलाने में कैसी लगती है कैसी लगती है। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्कूटीज चलाई हैं और मैंने कभी भी एक्टिवा नहीं चलाई और मेस्ट्रो नहीं चलाई। तो आज मेरे को ये सुनहरा अवसर मिला है जिसमें मैं चलाऊंगा एक्टिवा 6G और जो मेरे व्यू रहेंगे वही आपको मैं बता पाऊँगा। और देखो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूल, क्लिक करा और यहाँ से खुल गई। तो इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा, बटन दबाया मतलब यहाँ से पुश करा और ये ऑफ। और यहीं पे इसी के नीचे है सीट का, सीट का दबाया सीट हो गई। अरे 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 कंबल कंबल दिख गया। और बंद करने के लिए सिंपली आपको यहाँ से पुश कर देना है, ये हो गई लॉक। और अगर एक बार बैठने के पोस्चर की बात करूँ तो वो तो सभी स्कूटियों का मोस्टली सेम ही रहता है। पहले मैं कैमरा एंगल सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से करें हमने चाबी ऑफ, यहाँ पर मिल जाता है आपको किल स्विच और कितनी स्मूथनेस तरीके से ही होती है स्टार्ट, पता भी नहीं चला, ऐसा लग रहा है बैटरी स्कूटी है। स्टार्ट हो जाती है, अभी नई है, ज़्यादा पुरानी नहीं है भाई, एक महीना हुआ है हद से हद। तो चलाते हैं, चलो मेरी तरफ क्या देख रहे हो, चलो चलते हैं भाई। देखो गाड़ी देखो, सिर्फ 1100 किलोमीटर चली है। थोड़ा मैं गलियों से बाहर निकलता हूँ, सस्पेंशन गड्ढों में आने के बाद पता कहाँ निकल गए। मैं खो गया। मैं खो गया, सारे कहाँ चले गए एकदम से पता भी नहीं चल रहा। आपने मेरा निंजा 300 वाला अगर रिव्यू देखा होगा, राइड रिव्यू, तो उसमें भी यही हुआ था भाई। मैं राइड रिव्यू कर रहा था, गलियों में घुस गया गलती से, फिर जो मैं खोया हूँ भाई, रेस्क्यू करने के लिए मेरे दोस्त आए थे मेरे पास। हाँ अभी भी नहीं दिख रहे, खैर वो लोग कहाँ हैं, चलो छोड़ो उनको, करते हैं अवॉइड। मीटर के अंदर वही भाई बेसिक चीज़ें हैं जो नॉर्मल स्कूटियों में होती हैं और अलग से कोई चीज़ इसमें ऐसी दी नहीं है जो मैं आपको बताऊं। नॉर्मल जो स्कूटियों में होती है ना वही सब है इसके अंदर, कि पेट्रोल का बता दिया, मीटर का बता दिया, ट्रिप व्रिप वाला इसमें कोई सीन नहीं लग रहा मुझको। और ये देखो ये रहा, ये मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया ये G क्यों लगाते हैं, 2G 3G 4G 6G 5G। नेट चल रहा है क्या डाटा पैक होंडा का? चलो भाई पोस्टर इसका बहुत मस्त लग रहा है मेरे को, तो बैठने में एकदम हाँ मज़ा सा आ रहा है ये देखना। मैं तो थोड़ा पीछे होके और बैठा हूँ, थोड़ा कैमरा एंगल सेट रहे, थोड़ा मिरर भी सेट कर लेता हूँ, ये वाला टेढ़ा हो रहा है। भाई यार स्कूटियों के ना यार मेरे को खुद को ऐसा पर्सनली लगता है कि ना इनकी लाइफ टाइम यार ज़्यादा नहीं रहता, 1 साल बाद 1.5 साल बाद ये ऐसी हो जाती है ना जैसे ना जानो कितनी पुरानी हो गई हो, कंडम हो जाती है, मतलब बजने लग जाती है, माचिस की डिब्बी होती है खाली वैसे जैसे बस चिकर कर ऐसी ऊपर खाबर रोड में जाएगी, ऑफ रोडिंग करेगी हल्की सी, ऐसी हो जाएगा इसका मामला पानी, तो बजने लग जाएगी। पर भाई अगर अंकल लोग चला रहे हैं और आंटियाँ लोग चला रही हैं, सॉरी सिस्टर लोग चला रही हैं, तो भाई फिर ये सही चलेगी। अगर किसी लौंडे लपाड़े के हाथ में पड़ गई ना स्कूटियाँ, फिर तो ये ले बैठेगी। और स्कूटियों का एक मेन चीज़ और मैं बता दूँ, जो साइड की ये चीज़ होती है ना, ये हो गया आगे का मरघाट हो गया, ये बहुत जल्दी रगड़ता है यार। जैसे आपने कहीं खड़ी करी उधर स्क्रैच काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, आगे मरघाट अगर कभी गाड़ी ठुकती है तो मरघाट ही आते हैं। वो तो अच्छा हुआ आगे का इसका मरघाट मेटल का है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे फाइबर का होता है एंटोर की तरह तो वो टूट जाता है। और ज़्यादा तेज़ मैं इसको भाई चलाऊँगा नहीं, ज़्यादा तेज ये देखो हाँ, सॉकर तो बहुत बेहतरीन है, सॉकर में कोई मेरे को कमी नहीं है। पर अगर ये है ना, अगर मैं इसको, मेरे को डर लग रहा है इसको ज़्यादा तेज़ चलाने में, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा तेज़ चलाया, छोटे छोटे से टायर है भाई, मुझको बाइकों की आदत है और दिन वैसे ही थोड़े से ख़राब चल रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता भाई कोई भी रेस्क्यू करने मुझको आए, मैं आऊँ इस पर और जाऊँ एम्बुलेंस में, ऐसा सीन नहीं लेना चाहता मैं अपने सर मत्थे। दैट इज़ वाई मैं धीरे चलाऊँगा। यहाँ से होते हैं अपन लोग लेफ्ट, थोड़ा सा एक पुल भी मारूँगा अगर खाली रोड आया तो, ठीक है। बाकी मेरे को चलाने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है। पर मैं एक चीज़ और बता दूं भाई, देखो अगर आप कैश लेने जाओगे तो ये आपको 85 के अराउंड पड़ेगी, मतलब 85,000 रुपये के आसपास पड़ेगी। और अगर आप डाउन पेमेंट में लेते हो तो ये लमसम तुम्हारे 1,00,000 के आसपास पहुंच जाएगी। ये देखो ट्रिपलिंग मार रहे हैं भाई बिना हेलमेट के, बिना किसी चीज़ के। और देखो रिएक्शन, ये फ्लाई बाय मारते हुए जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो भाई ट्रिपलिंग करते हुए जा रहे हैं, गाड़ी तो बहुत ही स्मूथ चल रही है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस टाइप की कुछ चल रही है और ब्रेकिंग में मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है। ये देखो रिएक्शन। ब्रेकिंग में मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि मेरे को भाई ABS की आदत है ना, दैट इज़ वाई चल रहे है। बाकी ये आपके इंडिकेटर है, यहाँ पर आपको किल स्विच मिल गया, नीचे हॉर्न है, हॉर्न की आवाज़ मैं आपको सुना देता हूँ, ज़्यादा खास नहीं है, नॉर्मल सी है।
पर हाँ, अगर आपको घर मतलब सिटी विटी के लिए चाहिए ना, और आपको मतलब अपने छोटे भाई के लिए चाहिए, सिस्टर के लिए चाहिए, मम्मी के लिए, या मतलब किसी भी मतलब ऐसे पर्सन के लिए चाहिए जिसको अपना डेली यूज़ पर काम करना हो, जॉब से आना हो जाना हो, मतलब ज़्यादा उसे हवाबाजी नहीं करनी हो, सौबाजी नहीं करनी हो, तो भाई स्कूटियाँ बेस्ट है यार, एकदम बेस्ट। और खर्चा भी इनका ज़्यादा नहीं होता, हैंडी रहती हैं। अगर आपको भाई जैसे मेन घर का कंसर्न क्या रहता है, मम्मी पापा का, साढ़े गेहूँ लिया जाके चक्की से आटा लिया, तो भाई यहाँ पे आप रख के ला सकते हो सिलेंडर वलेंडर और शादी वादी के। अगर आपके घर में शादी हो गई तो सबसे ज़्यादा काम आपको ये देगी स्कूटी। स्कूटी पर भाई बहुत सारा सामान रख के आप जा सकते हो, ट्रिपलिंग मारनी हो किसी को, बच्चे को बीच में बैठा के, अगर आपने ट्रिपलिंग मार रखी ना उसके बावजूद भी एक छोटा बच्चा यहाँ पे खड़ा होकर जा सकता है ईजिली। तीन चार लोग आराम से यहाँ पे मार सकते हैं, एक कार वाला पूरी वो देगी आपको फील। फोर व्हीलर मैं नहीं मारूंगा भैया, कट बस के आगे से देख रहे हो, उसके एक टायर के बराबर तो स्कूटी ना है, तो वहाँ पे भी मैं कट मार दूँ साड़ों को। वैसे मज़ा आ रहा है काफ़ी चलाने का, इसकी चाबी काफ़ी लंबी है, मेरी गाड़ी से भी लंबी है, बता यामा से भी लंबी है। होंडा सही है यार, होंडा मतलब देती है, रिलायबल इंजन है ना यार, काफ़ी रिलायबिलिटी देती है होंडा, अच्छी है होंडा, मज़ा आ जाता है होंडा की चीज़ें चलाने में। विक्की भाई की एसपी साइन है, उसको भी कम से कम 4 से 5 साल हो गए, उसको भी भाई चलाने में ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी कि कहीं से कुछ खड़खड़ की आवाज़ आ रही है या कुछ, जो भी बहुत अच्छी चलती है उनकी स्कूटी यार, अपने हिसाब में है गाड़ी, तो जैसा आप चलाओगे ना वैसी वो गाड़ी चलेगी। देखो और वैसे भाई ने कलर लिया वाइट, वाइट का एजेंडा यही है भाई कि गंदी हो जाती है ना वाइट पे, दाग बहुत जल्दी लगते हैं, अब कुछ दिनों बाद ना, अब कुछ दिनों बाद भाई ये पीला पड़ने लग जाता है ये वाला वाइट, और ब्लैक लोगे तो उसमें स्क्रैच सारे दिखेंगे, इसमें स्क्रैच थोड़े बहुत दिखते नहीं हैं, थोड़े बहुत हल्के हो जाते हैं, और ब्लैक में आपको पूरे प्योर साफ विजुअल होंगे स्क्रैच उसमें देखने को मिलेंगे। टायर काफ़ी छोटे छोटे हैं, ये देखो स्किट खाई, अभी स्किट खा रही है यार। इसी चीज़ में तो डर लगता है, बाकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी, वैसी वाली नहीं कि अगर स्किट खाएगी खाएगी, वो तो मैंने एकदम से पूरे दे ब्रेक दबाया, पैनिक ब्रेकिंग करी, इस वजह से भाई मैंने इस वजह से मतलब गाड़ी स्किट खाई है। वाइब्रेशन वाइब्रेशन तो नहीं है इसमें, वैसे भी स्कूटी में पता नहीं होती है कि नहीं होती, मैंने क्योंकि इतनी ज़्यादा हार्श चलाई नहीं है। ये देखो उबड़ खाबड़ रोड वोड है, उछलते कूदते चल रही है, सस्पेंशन बढ़िया है, ऐसे कूद रही है। एवरेज एवरेज की अगर मैं बात करूँ ना भाई, स्कूटियाँ दे देती हैं अच्छा एवरेज दे देती हैं, 35 to 40 के अप्रॉक्स ये स्कूटियाँ एवरेज बहुत अच्छा निकाल देती हैं, अच्छे देती हैं। और जो भी कोई भाई मेरे को लगता है ऐसा मतलब जो भी कोई स्कूटी लेता है ना, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं चलाता, ये तो आजकल के जो लौंडे हैं ये थोड़ा हार्श चलाने लग गए हैं। वैसे नॉर्मली स्कूटी का यूज़ सिटी के लिए होता है, घर के लिए होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना शादी वादी में, अगर आपके घर में शादी या किसी के घर में शादी है तो स्कूटी भाई इतनी आपकी हेल्प करा देगी ना बहुत ज़्यादा, जितनी बाइक कभी नहीं करा पाएगी। सारा सामान रख के ले जाओ, गद्दे रख के ले जाओ, बर्फ़ ले आओ, बर्फ़ की सिल्लियाँ ले आओ, कोई भी किसी को रिश्तेदार को घर नहीं पता उसको आने के जाने के लिए, सारा काम ये स्कूटी एकदम मक्खन की तरह कर देगी। और मैं भाई क्यों इसकी डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, कैसी है कैसी नहीं है वो सारा भाई किसी और वीडियो में बात करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बस मैं अपना एक रिव्यू दे रहा हूँ कि मेरे को चलाने में कैसी लग रही है। मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है, कट वट मारने का मेरा दिल नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि भाई टायर काफ़ी छोटे हैं, और मेक श्योर आप भी ना करें ये सब चीज़ें। ला बस वाला निकलने नहीं दे रहा भाई, क्या दुश्मनी हो गई मुझसे, क्या दुश्मनी हो गई भाई मुझसे। हाँ यहाँ पे रोड थोड़ा खाली है, पुल मारता हूँ, ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगा, बस नॉर्मली लेके जाऊँगा, क्योंकि रोड ऐसा है ना कोई भी कभी भी बाहर आ जाता है। ये देखो थोड़ा, ये 70 चली गई, 80 चली गई, थोड़ा ब्रेक बहुत जल्दी कंट्रोल हो रही है, सीरियसली बहुत काफ़ी जल्दी कंट्रोल हो रही है, इस चीज़ में तो दो राय नहीं है। और बात करूँ अगर मैं सीट की, तो भाई मेरे को ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई ये वाली करने वाली बात नहीं है, इस मेरे को ना जुपिटर की सीट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उसकी कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है, और सीट भी ना चौड़ी सी है, अच्छा लगता है उस पर बैठने में। इसकी कुशनिंग थोड़ी सी मेरे को कम लगी उसके मुकाबले। और एक चीज़ और जो मैंने अभी अभी नोटिस करी है, देखो ये हो रहा है ना, अगर इतनी मेरी वाली जुपिटर होती ना भाई और एंटॉर्क होती, तो भाई इतने में बाइक वाला फील दे देते यूँ करने, झटके मार मार के आगे निकलती, पुल मार मार के खींचने आगे भगने को दौड़ती, पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो एकदम सिंपल फैमिली लाइक है। ये क्यों रुके हुए हैं, जरा इनसे पूछते हैं भाइयों से। आगे स्कूटी वाले आ गए, चलो 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 चलो। अबे ये तो वहाँ जा रहे हो प्लेस वाटर पार्क, हटो यार हटो आगे।
मारेंगे आर एस से विली। चलो भाई मिल गए अपने सहपाठी, में तो खो गया था, मुझे लगा पता नहीं कहाँ मर गए होंगे। रेस लग गई भाइयों, रेस लग गई। चलो तो भाई एक बार मैं रुक के आपको गाड़ी का लुक भी दिखा देता हूँ पूरा प्रॉपर, वहाँ पे शायद आपको दिख नहीं पाया होगा जो गाड़ी स्टार्ट है, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा गाड़ी स्टार्ट है। पीछे की लाइटें भाई इन्होंने पूरी ज़्यादा चौड़ी कर दी हैं, ये लाल वाली लाइटें पहले इतनी आया करती थी, अब ये पूरी फैल गई हैं, मतलब जो ब्रेक वाली लाइटें हैं जिस पर ब्रेक मारने पर लाइटें जलती हैं, बैक लाइट जिसे कहते हैं, इंडिकेटर आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे। जगह जगह पर आपको 6G की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ये रहा भाई 6G, अगर आप चाहें तो वाईफाई कनेक्ट करके चल सकते हैं। क्या है तो भाई यही रहने वाला था, ध्यान दे यार। भाई यहाँ पे आपको MRF के टायर देखने को मिलते हैं भाई, जिसका टायर साइज़ है 90-90-12 टायर है। तो भाई मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना मेरे भाइयों। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड लव यू ऑल मेरे भाइयों।